अरे क्या लगता है शिंचन एस्केप कर पाएगा? एस्केप डोर बिल्कुल मेरे सामने है, जल्दी जल्दी ओपन हो जाए, जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, मैं आ रहा हूँ। अरे बेचारा शिंचन एस्केप नहीं कर पाएगा। आ गया मैं, कहाँ तक जाओगे? बच्चे ना गया, भागो 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 भागो, बच्चे तो मुझे मार देगा, ये लो। आज हम लोग दोबारा से ही करेंगे हॉरर का फंडा। अरे हॉरर का फंडा नहीं, वो अंडे का फंडा होता है, मतलब कुछ भी दिमाग में कुछ नहीं आया तो कुछ भी बोल दिया। लेकिन मेरे सामने जी कौन जा रहे थे? शिंचन, ये मैं थी, पिंक सूट वाली। नैनी, हमको जो नेट ठीक करना चाहिए। हाँ मैं वो ही कर रही हूँ, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं। अरे शिंचन तू क्या कर रहा है? कैसे, मैं भी जनरेटर ही ठीक कर रहा हूँ, लेकिन किलर कौन बना है? किलर आज मैं बना हूँ, और तुमको पता है मैंने ऐसा किलर लिया है जो आज तुम सबकी बैंड बजा देगा। अरे बोझा, तुमने कौन सा किलर लिया है? अरे कोई भी लिया हो, लेकिन जीतना तो हमको ही है। मुझे तो जनरेटर ही नहीं मिल रहा है, मैं यहाँ से कैसे एस्केप करूँगा? जनरेटर मिले या ना मिले, लेकिन तुझे एस्केप करना पड़ेगा शिंचन, क्योंकि अगर तू कुछ नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे? और यहाँ पे मेरे पीछे पड़ चुका। अरे यार बोचन भाई, बोचन के पास तो गोस्ट फेस है, मैं तो जेनी ठीक कर रहा था और एकदम से पीछे से आया और मुझे इसने पेल दिया। हाँ, बोला था ना तुम लोग पिट जाओगे, तुमको तो पता भी नहीं लगेगा कि मैं तुमको कब देख रहा हूँगा और कब तुम्हें आके मार दूंगा। ए बोचन, अभी मैं कज़ामे को बचा लूंगा। हाँ ऐसी बात है तो ठीक है, आके बचा के दिखाओ। कज़ामा, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। अरे शिंचन, तुम्हें कज़ामा को बचाना ही होगा, वरना बेचारा वो मर जाएगा। हाँ शिंचन जाओ, तुम कज़ामा को बचाओ और मैं और मसाओ यहाँ पे जनरेटर्स को ठीक करते हैं। शिंचन कज़ामा को बचाने आ रहा है, ओके मैं भी रेडी हूँ। अरे वह बोचन मेरे बिल्कुल सामने है, लेकिन अगर इसने मुझे देख लिया तो ये मुझे पकड़ के पीट देगा। मैंने तुमको देख लिया, हेलो, ये कैसे दिख रहा है? भागो भागो, अब तो मैं पक्का मरने वाला हूँ। अब तो शिंचन गयो, इधर से जाता हूँ, यहाँ से जाऊंगा तो मैं यहाँ से आ जाऊंगा। बोचन ने मुझे फिर से मारे, अभी मुझे जल्दी जल्दी भागना पड़ेगा, वरना तो बोचन मेरी बैंड पक्का बचाने वाला है। यहाँ पे छिप जाता हूँ। काश मुझे बोचन ने ना देखा हो, कहाँ पे गया? अरे ये तो गायब ही हो गया, कैसे शिंचन? अरे शिंचन कोई ना जब तुमसे बोचन निपट रहा था तो मैंने एक कज़ामा को बचा लिया था, लेकिन अब मेरी बारी आ गई है, यहाँ पे मेरे को बोचन ने पकड़ लिया। अरे वह मसाओ, तुमने कज़ामा को बचा के खुद पकड़ी गई, दोस्ती हो तो तुम्हारी जैसी हो वरना ना हो। अरे शिंचन, लेकिन अब मैं क्या करूँ, ये तो मुझे टांगने जा रहा है। अरे मसाओ, मैं तुम्हें पक्का बचा लूंगी, सिर्फ तुम ही तो हो जो मेरे साथ घर घर खेलते हो, तो मुझे तुमको तो बचाना ही होगा। नैनी, अगर तुम यहाँ पे आओगी तो तुम भी पकड़ी जाओगी, मुझे लगता है तुम्हें जनरेटर्स को ठीक करते रहना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैंने वैसे भी एक जनरेटर ठीक कर दिया है। और सिर्फ एक? अभी तो हमारे चार जनरेटर ठीक करने बाकी है, तो बोलो मंगा हम लोग क्या करेंगे? अरे तुम लोग कर ही नहीं पाओगे क्योंकि किलर इतना प्रो बंदा है। अभी तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट कर दिया है, अभी मैं तुमको सारे जनरेटर ठीक करके दिखाऊंगा, उससे पहले मैं बचाऊंगा मेरी दोस्त मसाओ। शिंचन तुम्हें मेरे सबसे अच्छे दोस्त, तुम ही मुझे बचाने आए हो, थैंक यू शिंचन। मसाओ जल्दी भागो यहाँ से, तब तक के लिए मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ, क्या पता भोजन यही प्यारा है, अगर उसने मुझे देख लिया ऊपर तो मैं भी पकड़ा जाऊंगा। अरे मसाओ को बचा के तुमने अच्छा नहीं किया, अब तुम्हारे साथ भी वो ही होगा जो मैंने मसाओ और कज़ामा के साथ किया था। अरे शिंचन, भोजन मेरे पीछे पड़ चुका, मैं क्या करूँ? मसाओ भाग, वरना तुम पकड़े जाओगे, मैं यहाँ पे हिल कर लेता हूँ। शिंचन तुम जल्दी जल्दी खुद को हील कर लो। अरे यार मसाओ के चक्कर में मैं पिट गया, मसाओ के पीछे लगा था वो और मैं आगे आ गया और मेरे को उसने भोजन ने मार दिया। एक दूसरे के आगे दोस्ती निभाते रह जाओगे और भोजन से मार खाते रह जाओगे और भोजन के गुणगान गाते रह जाओगे। अरे वाह भोजन, तुमने तो क्या ही मस्त लाइने बोली। हाँ यार यहाँ पे लिरिक्स तो थी। हाँ टोनी कक्कर से तो ज्यादा अच्छी लिरिक्स थी। अरे वाह, थैंक यू, मुझे भी नहीं पता था कि मेरे अंदर इतना हिडन टैलेंट छुपा है। अरे तेरा टैलेंट तो किसी को नहीं देखना, तो चुपचाप यहाँ पे हमको छोड़ दे और हमको जीतने दे। दोस्तों दो जनरेटर तो ठीक हो ही चुके हैं, बस तीन बचे हैं, वो भी कर दो। शिंचन तुम टेंशन मत लो, हम लोग सारे जनरेटर ठीक करके यहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन उससे पहले तुमको मुझे बचाना होगा क्योंकि भोजन ने मुझे दोबारा से गिरा दिया है। अरे मसाओ, तुम तो फिर से रोने लग गए।
ये मसाओ पूरी जिंदगी कुछ नहीं कर पाएगा रोने के सिवाय। अरे यार मसाओ तू फिर गिर गया, अब मैं तो चलो बच गया लेकिन अब मसाओ का जो होने वाला है वो पता नहीं क्या होने वाला है। अरे दोस्त तो मुझे भोजन अभी टांग दिया, देखो अब मुझे लगता है कि ये मेरी आखिरी सांस है जो मैं गिन रहा हूँ, इसके बाद तो मैं कभी सांस नहीं ले पाऊंगा इस गेम में, रियल लाइफ में तो ले ही रहा हूँ। अरे मसाओ अभी मैं तुमको बचा लूंगा, मैं अपनी दोस्ती की कसम खाता हूँ कि आज मैं मसाओ को बचा के रहूंगा। शिनचैन तुम्हें मेरे सबसे अच्छे दोस्त, चलो शिनचैन तुम मुझे बचा लो। मसाओ मैंने तुम्हें बचा लिया, चलो अभी इधर मैं तुमको हील कर देता हूँ। हाँ शिनचैन जल्दी आओ मुझे हील कर दो वरना तुम्हें खड़ा भी नहीं हो पाऊंगा। अरे रुको रुको मैं अभी मसाओ की मदद करने आ रही हूँ, क्योंकि मसाओ मेरा सबसे अच्छा दोस्त है तो अपने दोस्त की मदद कौन नहीं करेगा मेरे सिवा। चलो चलो मुझको जल्दी से हील कर दो। हाँ और तुम तीनों वहाँ पे पिटे रहो और मेरे को इधर भोजन पेल देगा। अरे खजामा कहाँ तक जाओगे, जहाँ जाओगे हमको ही पाओगे, आ रहा हूँ मैं बस तुम्हारे पीछे ही हूँ मैं। अरे वाह हम सब लोग तो हील हो चुके हैं, अभी हम सबको जल्दी जल्दी से जनरेटर्स को ठीक करना चाहिए। अरे तो जल्दी करो ना, ये भोजन तो मेरे पीछे ही पड़ गया, हाथ धो के मैं क्या करूँ। खजामा अभी तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो, वरना अगर तुम भोजन के हाथों पीटे तो तुम दोबारा से खड़े नहीं हो पाओगे, पूरा ही खत्म हो जाओगे। हाँ मुझे पता है शिनचैन, लेकिन अब मैं क्या करूँ यार, ये तो मेरा पीछे ही नहीं छोड़ रहा, मैं बार बार इसको डॉज कर रहा हूँ लेकिन ये तो मेरे पीछे ही पड़ा है। अरे खजामा तुम मुझे इतना डॉज कैसे कर पा रही हो, खजामा तो धीरे धीरे प्रो बन रहा है। अरे वाह मुझे इतने सालों बाद एक जनरेटर देखा वो भी रिपेयर्ड है। अरे शिनचैन तुम्हें पता है मैंने दो जनरेटर के लिए रिपेयर किए हैं और तुम लोग में से तो कोई घंटा कुछ नहीं कर रहा, बस वहाँ पे पिट रहे हो भोजन से। हाँ ये तीनों तो मुझसे पिटने के लिए ही आए हैं, अब मुझे लगता है मुझे नैनी को पकड़ना चाहिए क्योंकि यही वो शख्स है जिसने पूरे के पूरे दो जनरेटर रिपेयर किए हैं। अभी मुझे लगता है यहाँ पे भोजन आने वाला है, यहाँ पे छिप जाता हूँ। ये मैंने पकड़ा शिनचैन को, अब तुम्हारा क्या होगा, अब तेरा क्या होगा कालिया। हे बचैन अभी मुझे लगता है तुम मुझे पक्का पकड़ लोगे, वो तुम्हें पकड़ ही लूंगा। ये ले इधर कैसे आ रहा है तू, अभी तुम्हें पकड़ा गया दोस्त मुझे बचा ले। अरे शिनचैन कोई ना, तुमने हमको बचाया था ना तो हम तुझे बचाएंगे। कैसे बचाओगे खजामा, यहाँ पे भोजन ने मुझे बहुत ज्यादा गंदा मारा, अभी मैं यहाँ पे छिप जाता हूँ, काश भोजन मुझे ना देख पाए। अरे एकदम से कहाँ पे गायब हो गए शिनचैन। भोजन मैं तो यहाँ पे हूँ ही नहीं, मैं तो यहाँ से गायब हो गया। शिनचैन तुम ऐसे भी करके इसको वहाँ पे घुमाते रहो, तब तक हम लोग यहाँ पे जनरेटर्स को रिपेयर कर देंगे। अरे शिनचैन कहाँ गया, मुझे मिल क्यों नहीं रहा। अरे भाई शिनचैन ये तो तू बसकती प्रो वाला गेम प्ले दिखा रहा है। मिल गया, ये देखो झाड़ियों में कैसे चिपके बैठा है, अब तो तुझे ऐसा टांगूंगा कि किसी ने सोची ना होगी। मुझे टांग दिया भोजन ने, अभी दोस्त भोजन तुम्हारी तरफ आ रहा है। दोस्त जल्दी निकलो भोजन हमारी तरफ आ रहा है। अरे मसाओ बस दो जनरेटर्स बाकी हैं यार, हमको जल्दी जल्दी ठीक कर देना चाहिए, जल्दी करो दोस्तों। अरे मैं कब से जनरेटर्स को ही तो ठीक कर रही हूँ, पूरी गेम में बस मैं जनरेटर्स को ठीक करती रहेगी। मुझे तो लगता है मुझे मैकेनिकल की जॉब कर लेनी चाहिए क्योंकि सारी जनरेटर्स तो मैं ठीक करती हूँ। तुम लोग को तो पता है कौन सी जॉब करनी चाहिए, मुर्दों की, क्योंकि तुम लोग सिर्फ मरने का काम कर रही हो। और अभी इस गेम के बाद जो मैं तुमको मारने वाली हूँ जिंदगी भर याद रखोगे। अरे नैनी गेम ही तो है, इसमें गुस्सा क्यों कर रही हो, क्योंकि मुझे सिर्फ जीतना पसंद है, हारना नहीं। अरे वाह अब देखो नैनी के पीछे भोजन पड़ गया। हाँ और अभी नैनी की बैंड बजाऊंगा क्योंकि कुछ ज्यादा ही भौंक रही है ये नैनी। अरे यार भोजन तुमने मुझे मार दिया। अरे वाह बहुत अच्छे भोजन, इसको पूरा खत्म कर दे, जड़ से उखाड़ दे जड़ से। अरे खजामा मैं तुम्हारी टीम में हूँ। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। हाँ कोई ना मैं तुमको बचा लूंगा, टेंशन मत लो, लेकिन उससे पहले बेचारे शिनचैन को बचाना जरूरी है। हाँ शिनचैन को बचाना ज्यादा जरूरी है, चलो क्योंकि शिनचैन ने हमको सबसे ज्यादा बचाया तो हमारी हेल्प की थी। अरे तू अभी बात ही करता रहेगा, मैंने इधर शिनचैन को बचा भी लिया, चल शिनचैन जल्दी से जाके अपने आप को हील कर ले, तेरे पास तो मेडिकेट होगी। मेरे पास तो मेडिकेट है ही, मैं जल्दी जल्दी अपने आप को हील कर लेता हूँ। मुझे तो लगता है कि अभी तुम सबका गेम मैं यहीं पे एंड करने वाला हूँ। मेरी मेडिकेट खत्म हो गई, लेकिन मैंने वहाँ पे एक मेडिकेट देखी थी, चलो मैं उसको उठा लेता हूँ। मुझे लगता है मुझे डॉक्टर बन जाना चाहिए क्योंकि मैं तो हील करने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हूँ। अरे शिनचैन मतलब कुछ भी बोलते हो तुम, जाके अपने आप को हील करो और हमारी आके हेल्प करो। अरे दोस्तों तुम लोगों ने मुझे बचा लिया, थैंक यू सो मच। वैसे ना भी मैं सोच रही थी कि तुम लोग अगर मुझे ना बचाते तो फिर तो मैं तुम लोगों में से एक दो का कत्ल कर देती और उसके बाद तो मुझे बहुत ज्यादा चैन मिलता, लेकिन अब तुम लोगों ने मुझे बचा लिया है तो किसी का भी कत्ल नहीं होगा। नैनी तुम्हारे विचार तो बहुत ही ज्यादा डूंगे हैं। हाँ वो तो बचपन से। अरे
नैनी शर्म तो आती नहीं ना तेरे को, अपने दोस्तों को मारने का ख्याल तेरे दिमाग में आ भी कैसे गया? अरे खजाना मैं तो मजाक कर रही हूँ, तुम लोग तो मजाक भी नहीं समझते। तुम्हारी मजाक मजाक में हमारा कत्ल हो जाता नैनी। अरे यार ये बोचन भाई तू मेरे पीछे क्यों पड़ता है? तू मैं तेरे को बता रहा हूँ, अब तो तू अपने काले की दुश्मनी निकाल रहा है मेरे से। अरे इसमें काही दुश्मनी, इसमें तो अब तुम्हें मैं ऐसा खत्म करूंगा कि तुम दोबारा खड़े नहीं हो पाओगे। अरे यार बोचन, हाँ क्योंकि मैंने शिनचैन को मारा था और तुमने उसको बचा लिया, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती तो यही थी। मैं ये वाली हुक को तोड़ देता हूँ, तोड़ दिया है, चलो अभी आगे बढ़ता हूँ। शिनचैन बस एक ही जनरेटर बचा है, जल्दी ढूंढ के ठीक करो। मैं सब हमें ढूंढ रहा हूँ। अरे ये बोचन ने मुझे पूरा ही खत्म कर दिया। अरे बेचारा खजामा, चलो ये तो यहाँ पे मर चुका है, अब हम तीन लोग ही बचे हैं। हाँ अब तीनों में से कोई भी जिंदा नहीं बचने वाला, सबको एक एक करके मौत के घाट उतार दूंगा। मुझे जनरेटर आज पूरी जिंदगी में नहीं दिखा, अब मैं क्या करूँ, ये वाला भी रिपेयर है, जहाँ भी जाता हूँ सारे के सारे रिपेयर जनरेटर मिलते हैं। शिनचैन कोई और एरिया में जाके ढूंढना, तुमको पक्का मिलेगा, मुझे खुद नहीं मिल रहा अब कोई जनरेटर। अरे दोस्त मुझे भी नहीं मिल रहा, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे मिलेगा भी नहीं, क्योंकि नैनी तो वहाँ पे डाउन हो चुकी है, अभी मुझे नैनी को बचाना होगा। अरे मसाओ क्या करें, ये बोचन कब से पीछे आ जाते हैं हमको पता भी नहीं लगता। अरे गोस्ट फेस का यही तो पावर है कि वो ना एकदम धीमे धीमे आराम से एकदम खतरनाक और एकदम डरावने तरीके से आता है। बोचे तुम राक्षस हो जे भूत? अरे मैं तो भूत हूँ। तो फिर राक्षस की तरह क्यों हंस रही हो? अरे वो मैं क्या करूँ, आवाज ही ऐसी है। यहाँ पे क्या होगा, इसको खुल के दिखता हूँ, जल्दी खुल जा सिम सिम, जल्दी खुल जा सिम सिम। अरे शिनचैन, हाँ मसाओ, शिनचैन मुझे लगता है अब नैनी मरने वाली है, और अभी बोचन क्योंकि मेरे पीछे पड़ चुका है, तब तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि नैनी को मैं बचा पाऊँगा, तो मुझे लगता है नैनी को तुमको ही बचाना चाहिए। मसाओ मैं नैनी को नहीं बचाऊँगा, अब मुझे जनरेटर मिल चुका है, एक साल में एक बार होता है ये वाला चमत्कार, अब तो मैं ये वाला जनरेटर ठीक करके ही रहूंगा। शिनचैन तो जल्दी करो, वैसे भी बोचन ने मुझे भी डाउन कर दिया, अब तुम मुझे कैसे बचाओगी? मसाओ तुम्हें बचाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि अब तुम सब लोग मरने वाले हो। ओ भाई चलो, तुम सब लोग की तो बैंड बजने वाली है, ये मैंने मसाओ को टांगा और ये तीनों तो मर गए, अब तो मैं जनरेटर भी ठीक नहीं कर सकता, अगर मैंने करा तो बोचन को पता लग जाएगा कि मैं कहाँ पे हूँ। अरे शिनचैन एक आइडिया है, यहाँ से एस्केप कर सकता है। हाँ और वो आइडिया हैच, देखो हैच आ चुके हैं शिनचैन, तुम्हें हैच को ढूंढना होगा और जल्दी से वहाँ से निकल जाओ। हाँ मुझे पता है, जल्दी जल्दी हैच को ढूंढता हूँ। हैच को? नहीं नहीं ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, आज लक पूरा मेरे साथ है, तो देखना मेरा लक मेरा काम आएगा और सबसे पहले हैच मुझको मिलेगी। ये लो मिल भी गई और मैंने बंद कर दी, बोचन को हैच मिल गई, अभी मुझे गेट में जाके फटाफट से एस्केप करना पड़ेगा गेट को खोल के। अरे भाई शिनचैन जल्दी गेट के पास जा, अभी तुझे कोई सा भी गेट खोल और जाके वहाँ से निकल जा। अरे शिनचैन मुझे नहीं लगता कि आज तुम एस्केप कर पाओगे। हाँ बेचारे शिनचैन का लक नहीं है, और वैसे भी हमारी बद्दुआ भी तुम्हारे साथ है। बद्दुआ कैसी नैनी, तुमने हमको बचाया नहीं तो यही हमारी बद्दुआ है कि तुम भी हार जाओ। अरे ऐसे कैसे बोल सकते हो नैनी, हम लोग तुम्हारी टीम में रहना। अच्छा ठीक है नहीं देती बद्दुआ, वैसे भी तुम हारने वाले हो। हाँ वैसे नैनी की बात तो 100% सच है कि अभी शिनचैन हारने वाला है, क्योंकि वैसे भी टाइम हो रहा है और ऊपर से बोचन ऐसा किलर है कि जिसका पता भी नहीं लगता, और ऊपर से शिनचैन को गेट खोलना है और ऊपर से फिर एस्केप भी करना है, और ऊपर से शिनचैन घंटा कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि ऊपर से शिनचैन को गेट मिला तक नहीं है। मैं सर चुप हो जाओ, अभी तो तुम मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हो और मुझे तो तुम लोग डीमोटिवेट कर रही हो। अरे हाँ यार तुम लोग इसको डीमोटिवेट मत करो, शिनचैन तो कर सकता है, कोई बात नहीं जा जा जल्दी से गेट ओपन कर, अगर हार भी गया बोचन से पकड़ा भी गया और तूने हार भी जाए तो कोई उज नहीं होगा। तुम भी कुछ ज्यादा खास मोटिवेट नहीं कर रहे कि जाना है। अरे शिनचैन जल्दी तुमको गेट मिल चुका है, जल्दी खोलो। अरे शिनचैन को गेट मिला, ओ मतलब शिनचैन दूसरे गेट पे है। अरे मैं सर तुम पागल हो क्या, तुमने क्यों बताया? अरे सॉरी सॉरी शिनचैन मुझे निकल गई। ओ भाई मसाओ थैंक यू, अरे वह बोचन आ गया, अब तो मैं किया बोचन मुझे मार देगा, ये ले ये हुई ना बात, अब तुम्हारा क्या होगा शिनचैन। अरे यार मसाओ तेरी वजह से बेचारा शिनचैन पकड़ा गया। अरे दोस्त मेरे को नहीं पता था, सॉरी सॉरी मेरे मुंह से निकल गई, मेरी जुबान टूट गई यार। अरे मसाओ लेकिन अच्छा किया शिनचैन को मरवा के, क्योंकि शिनचैन ने हम दोनों को बचाया नहीं था। अब ये नैनी मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रही है, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे तो गुस्सा आता ही नहीं। अरे वाह तुझे गुस्सा दिला रही है लेकिन तुझे गुस्सा आता नहीं। अरे भाई तेरी बातों में लॉजिक और टोनी कक्कर के गानों में लिरिक्स,
बिल्कुल नहीं होता, मैं सच बता रहा हूँ। अरे चलो, ये मैंने टांग दिया शिनचैन को और इसी के साथ बोचैन द गोस्ट फेस किलर वॉन। अरे बहुत अच्छा खेला बोतू, बहुत अच्छा खेला। चलो अगर आपको मजा आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, नेक्स्ट टाइम मैं बनूंगा किलर। बाय बाय।